सचिन सचिन, अरे देखो तो यहाँ क्या गिरा है, जल्दी आओ। सचिन अचानक से उठा और अपनी माँ की आवाज सुन के चौंक गया और तुरंत आया माँ ऐसा कहता हुआ बाहर भागा, दरवाजा खोला और उसके बाद कभी भी सचिन किसी को दिखाई नहीं दिया। बहावलपुर से नजदीक के गांव की ये आठवीं घटना थी जिसमें बाहर से घर के किसी आदमी की आवाज आने पर जिसे पुकारा गया हो वो बाहर जाता है और फिर कभी भी लौट के नहीं आता। तीन लोगों की तो विक्षिप्त हालत में लाशें मिली लेकिन पांच लोग कभी नहीं मिले। गांव के चौपाल पर पंचायत बैठाई गई और इसी विषय पर चर्चा चलने लगी कि आखिरकार ये क्या बला है और लोग इस तरह से क्यों मारे जा रहे हैं। तभी एक बूढ़े बुजुर्ग ने कहा कि लगता है वो वापिस आ चुकी है। गांव के मुखिया ने बाबा से पूछा कि चाचा कौन आ गई है, आप जानते हैं क्या इस चीज को और कौन मार रहा है गांव के सीधे साधे लोगों को। तब उन बूढ़े बुजुर्ग ने कहा कि ये मेरे बचपन की बात है, तब भी यही हुआ था कि घर के किसी सदस्य के नाम से और उसकी आवाज से वो बुलाती थी घर के किसी एक आदमी को और जब वो बाहर जाता तब वो फिर वापस कभी लौट कर नहीं आता। लगता है कि वही सिलसिला गांव में शुरू हो चुका है फिर से। तभी सचिन की माँ ने कहा कि बाबा बात तो सही ही कही है आपने, वैसा ही हो रहा है जैसा आप कह रहे हैं। मेरी आवाज में मेरे बेटे को किसी ने बाहर बुलाया और वो हड़बड़ाहट में बाहर दौड़ कर गया और फिर कभी वापिस नहीं लौटा, कहकर सचिन की माँ रोने लगी। बाबा ने बताया कि अगर अब कोई मरना ना चाहता हो तो अब जो मैं कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो। अब हम सभी लोग रात में कभी भी कोई भी आवाज दे दरवाजा नहीं खोलेंगे और घर का कोई भी आदमी कहीं भी गया हो शाम होने से पहले घर वापिस आ ही जाना चाहिए, तभी हम लोग इस नियम का पालन कर पाएंगे। क्योंकि अगर कोई घर में नहीं होगा तो निशी उसका नाम लेकर के बुलाएगी और हम दौड़कर दरवाजा खोलेंगे, फिर क्या होगा अब सभी लोगों को पता है। मेरे बचपन में ऐसे ही हो रहा था, हम सब ने यही नियम बनाया था कि निशी की डाक से बचने के लिए और तभी हम उससे बच पाए थे। कई दिनों तक आवाजें आती रहीं और हमने दरवाजा नहीं खोला और तभी उसका कहर बंद हुआ और अब यही करना होगा। राहुल जो गांव में नया नया आया था और शंभु काका के घर पर रुका था वो इन सब बातों को मानने से इनकार कर रहा। शंभू काका ने भी उसे काफी समझाया लेकिन वो माना नहीं। एक रात को राहुल जग ही रहा था कि तभी उसे शंभू काका के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगी और वो तुरंत दरवाजा खोलने के लिए दौड़ा, लेकिन अचानक से वो रुक गया और ऊपर के कमरे की ओर दौड़ा और वहां से एक छोटी खिड़की को थोड़ा खोल के देखने लगा। कुछ देर तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, तभी उसकी नजर कुछ दूर अंधेरे में गई जहां एक औरत जिसके लंबे दांत और लंबे नाखून थे वो खड़े खड़े शंभू काका के घर का दरवाजा ही देख रही थी। अचानक से एक लंबी चीख के साथ वही औरत राहुल को खिड़की पर नजर आई। उसे देख के राहुल वहीं अपने होश खो बैठा। चिल्लाने की आवाज से शंभू काका भी दौड़ कर ऊपर गए जहां उन्होंने राहुल को बेहोश और साये को वहां से जाते देखा। वो समझ गए पूरा माजरा। राहुल के चेहरे पर पानी डालने पर उसे होश आया, तब वह एकदम से डरा सहमा सा था और कांप रहा था। मैंने उसे देखा काका, मैंने निशी डाक को देखा है, यह कहकर वो जोर जोर से रोने लगा। दूसरे दिन सुबह ही राहुल गांव से शहर चला जाता है। दोस्तों आज की कहानी में बस इतना ही। मैं हूं कश्यप और आप देख रहे हैं आहट एक अनहोनी की। बिना डरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो मेरे साथ मेरे ईमेल पर जरूर शेयर करें। मैंने अपना ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू।